ये देखिए गाइस, विनास परमिशंस, ये हवा में उछल लड़ाकू विमान, वाओ। और इस गोवा की झांकी को देख के हमेशा एक व्यक्ति याद आता है, मनोहर पर्रिकर। नमस्कार, मैं अंकित बिष्ट आप सबका स्वागत करता हूँ सीधा इस प्रांगण से, इस अमर जवानों की भूमि से, जहाँ सारी जग की निगाहें हमारी शौर्य पराक्रम पर होंगी और विश्व में नव भारत की जयघोष का आज डंका बजेगा। ये वह आजाद भारत है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इस माटी में अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया। इस भारत माँ के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उन वीर सपूतों ने निस्वार्थ भारत माँ की सेवा की। मन प्रफुल्लित हो उठता है जब भारत माँ के सपूत इस राजधानी में, यहाँ इंडिया गेट पर अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं। उनके पैरों की खड़खड़ाहट से सीमा पार दुश्मन भी कांपने लगता है। मानो ये भारत माँ अपने सपूतों पर प्रसन्न हो उठती है, मन गदगद हो उठता है और ये मातृत्व प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है जब जयकारा होता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज उन सपूतों के लिए, उन वीरों के लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना बलिदान कर वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्हें आज श्रद्धांजलि देने का दिन है, उन पर गर्व करने का दिन है। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव गणतंत्र को मना रहे हैं, तो जुड़े रहिए मेरे इस खास ब्लॉग में वंदे मातरम। वो देखिए, जस्ट एकदम वीआईपी सेक्शन में हम खड़े हैं और ये सामने इंडिया गेट और सामने प्रधानमंत्री मोदी जी बैठेंगे, जहाँ पर एम्बुलेंस दिख रही है आपको। और यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही सुंदर महसूस होता है जब भारत, हम भारतीय होने पर हमें गर्व होता है। और इस भारत माँ की शान, ये वीर सपूत, ये जवान जो इस देश की रक्षा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। मोदी जी यहाँ पर आ गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री, सब एकदम सावधान की पोजीशन में हैं, क्योंकि अमर जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। है भारतीय धुन के साथ सुंदर बैंड है। ये देखिए, अब देखिए पैरा कमांडो गाइस, ये देखिए इन पैरा कमांडो को, कितने सुंदर के साथ, एक ही हाइट के साथ और सबकी देख रहे कितने प्यारे लगे। इंडियन नवल अपराइजिंग, आत्मनिर्भर भारत, ये देखिए इंडियन नेवी के कमांडर जवान यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आबाद रहे तू, इस सॉन्ग के साथ ही आगे बढ़ रहा है दास्तान। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO और ये विमान उस पर सवार हो रखा है, देखिए। और असली भी है, देखिए गाइस असली है पूरा पनडुब्बी, ये वो पनडुब्बी है जो DRDO द्वारा विकसित की गई है और AIP सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। देखिए IDVP के जवान सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सारे जहां से, अच्छा गाइस एक चीज नोटिस करना है, सबकी ना हाइट एक जैसी आपको मिलेगी, बिल्कुल समान हाइट। ये देखिए, ना कोई छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एकदम ठीक। ये देखिए ये ऑर्केस्ट्रा, गर्ल्स भी दिखेंगी आपको स्टार्टिंग में, आप देख रहे हैं दो गर्ल्स साथ में कमांड कर रही है इसको। बड़ा सुंदर लगता है जब भारत की नारी सेना में सम्मिलित होकर देश की रक्षा करती है। देख रहे हैं ऊंट पर बैठ के आ रहे हैं सारे लोग, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला, और पीछे कमांडो उसमें बैठे हुए हैं। ये देखिए सारे
सारी की सारी इसमें लड़कियां दिखेंगी आपको। ये गर्व की बात है कि भारत में अब लड़कियां जो है भारतीय सेना में भी सम्मिलित हो रही हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर चेहरे, या ये मेघालय की झांकी। ये देखिए गाइस सहकारी समिति, अब ये गुजरात की झांकी, और ये देखिए गुजरात का कल्चर, हाथ में ढोल है और नृत्य के साथ। ये देखिए गोवा की झांकी, विविधताओं का देश है, अनेक सी संस्कृतियां, अनेक सी बोली भाषाएं इस भारत देश में बोली जाती हैं, जो हाउस जोश कहकर हमारी सेना का जोश को बढ़ाया करते थे। ये उत्तराखंड, जो हमारे यहाँ की झांकी आती है बड़ा ही खुशी महसूस होती है। इस बार इसमें बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया है, जो भगवान विष्णु यहाँ के देवता हैं। ये देखिए उत्तराखंड की झांकी, और इसमें आपको देखेंगे बद्रीनाथ भगवान विष्णु। कुश्ती ना हो हरियाणा में, ऐसा कभी हो सकता है? ऊपर देख रहे हैं आपको कुश्ती करते हुए दिख रहे होंगे कुछ लोग, और नीरज चोपड़ा की प्रतिमा भी इसमें बना रखी है, वो देख रहे हैं आप। अरुणाचल प्रदेश की झांकी, यहाँ का नृत्य देखिए। कर्नाटक का ओणम बड़ा प्रचलित है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोगों का पहनावा इसमें दर्शाया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये उनकी प्रतिमा इसमें दर्शाई गई है। छत्तीसगढ़, योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें राम मंदिर को दर्शाया गया है इस बार। ये देखिए राम मंदिर, प्रभु श्री राम, जय श्री राम। और भांगड़ा, क्या दिखा रखा है ये देखिए, गुरु की इच्छा की पूर्ति, चूहा दिखा रखा है, सब जो है ये देखिए जोड़ा गया है। झांकी का अगला हिस्सा विमान का मोर, महिला पायलट विमान को चलाती आसमान का। सरदार सेलिब्रेटिंग 150th एनिवर्सरी ऑफ श्री अरविंद पुलिसमैन। ये रहा शिक्षा मंत्रालय, वेदों से मेटावर्स की ओर, वेदों को इसमें दर्शाया गया है, देख रहे हैं। हेलो ताऊ जी, हेलो। भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, आजादी का अमृत महोत्सव, 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इंडिया गेट पर। वाह, गणाधि गणपति नमस्ते, ओम गण गणपतये नमः। ये देखिए किस तरीके से कर्तव्य निभा रहे हैं, बिल्कुल तैनात है। ये देखिए बिल्कुल बंदूक हाथ में है और तत्पर है भारत की देश की रक्षा के लिए। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये देखिएगा इस समावेशन ले जाते हुए, और ये राजपथ है, ये हैं पूरी तरह से चौकस है, बुल फाइटिंग की पोजीशन में वाला भी है, आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ती हुई बहुत ही। लेकिन इस बार खास बात ये है कि ये सब गर्ल्स हैं जो कर्तव्य दिखा रही हैं, बात है कि बेटियां भी हैं, और उसके बाद वाले हम कहते हैं लड़के लड़के, लेकिन ये देखिए लड़कियां भी यहां पर कर्तव्य दिखा रही हैं, माहिर हैं। माता की रक्षा में तत्पर भारत माता की बेटियां, भारत माता का जय घोष करती हुई हर व्यक्ति हिमालय हम खड़े हुए, दुश्मन आए हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। सीमा भवानी की वीरांगनाओं ने जनतंत्र के जश्न को अपनी जामाजी से स्पीके जय जयविज। निरीक्षक रजनीश ने माननीय राष्ट्रपति जी को जोरदार से याद करना, इनकी रोज की आदत है, रोज का काम है। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलते हैं, माइनस पे बढ़ती हुई फ्लाई राइडिंग की पोजिशन में फॉर्मेशन में। कृपया अपनी सीट बेल्ट। दोस्तों ये देखिए आपको दिख रहे होंगे पहले फाइटर प्लेन यहाँ पर आ रहे हैं, एकदम ठीक इंडिया गेट राजपथ पर। अरे भारत माता की जय। ये देखिए ठीक एकदम ऊपर है, बहुत मस्त। ये देखिए दोस्तों आए देखिए गाइस
ऋषिकेश साडा कितना सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे ऊंट में एक साथ शक्तिशाली हमारे भारतीय सेना का मिसाइल की जगह ज्यादा दीपांशु लालर की अगुवाई में टैंक PT-76 है। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्ग T-62 ये देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ रखे हैं भाई एकदम ठीक इंडिया गेट के ऊपर है ये देखिए वो देखिए सामने इंडिया गेट है और उसके एकदम ठीक ऊपर सारे के सारे टैंक आ रहे हैं और उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्या क्या हमारे जो देश प्रेम को है और ज्यादा बढ़ाते हैं और इन्हें देखकर मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो उठता है। तरंग शक्ति विद्युतीय युद्ध प्रणाली देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। आगे मिसाइल आ रहे हैं गाइस ये देखो मिसाइल दिखाता हूँ आपको आकाश आर्मी लॉन्चर गाइस ये देखिए आकाश आर्मी लॉन्चर भारतीय की जोशीली धुन के साथ यह भारतीय नौसेना का बैंड ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और इनको देखकर मन में जोश उत्पन्न होता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है बार एक्सरसाइज भाई जैसा कि हमने कहा कि ये राजपथ और मोटरसाइकिल पर साहस सजगता इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी ही ये सीमा पर 360 डिग्री पर 24/7 सतर्क रहते हैं। बहुत ही सुंदर पवन चक्की पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कर्तव्य दिखाते हुए सर्कस दिखाते हुए पिरामिड का फॉर्मेशन नो मोटरसाइकिल पर 39 जांबाज विशाल पिरामिड ये सैनिक कर्तव्य दिखा रहे हैं। हम भीतर देश बनाएंगे सैनिक तुम सीमा साधे रहना हम भीतर देश बहुत फॉर्मेशन दोस्तों ये देखो कितना सुंदर है ये देखिए एक बाइक पर इतने सारे लोग ये देखिए अदर मेंबर्स ऑफ द फॉर्मेशन आर विंग कमांडर जीडीके रेड्डी विंग कमांडर एस ड्रैकलो फ्लाई पास टुडे इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रेसिजन एंड कोऑर्डिनेशन ये देखिए राजपथ पर जा ये देखिए ऑन द राजपथ यू विल बी एबल टू सी देयर जर्नी एंड रूट व्हेन दे कम बिफोर यू एब्सोल्युटली यस You will be able to see right from the word go how they individually take off from different air bases and join up together. Chinook, ये देखिए Chinook. आज राजपथ पर ये देखिए कितनी रंग जो पंचायत हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारी एकता ये देखिए वो तीन रंग राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे दिलों में उतर आए हैं एक बार फिर ये देखिए गाइस तिरंगा फॉर्मेशन तिरंगा दिखेगा आपको तिरंगा फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए केसरिया और अब ग्रीन व्हाइट ये देखिए हेलीकॉप्टरों के बेड़े में एक V-35 सलामी मंच के सामने से सरोज कमांडर को हवाई सलामी ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर वाओ बहुत सुंदर ये देखिए अपाचे ये देखिए अपाचे बहुत सुंदर गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ये देखिए बहुत मजा आ रहा है और जो मतलब भावना है फीलिंग्स है देश प्रेम के लिए वो और अधिक बढ़ रही है। सामने इंडिया गेट है अमर जवान ज्योति और यहाँ पर देखिए ऊपर एक और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं दिखाता हूँ सर विंग वाह ये Next is Netra Formation comprising one Embraer aircraft flying by two Sukhoi 30s and two MiG-29s. Yeah. Embraer I in this formation. MiG-29. Yeah. एकदम ठीक ऊपर से ये देखिए बिल्कुल रफ्तार के साथ आगे चले गए ये देखिए गाइस विनाश फॉर्मेशंस ये हवा में उछल लड़ाकू विमान स्पीड देख लो गाइस बाज फॉर्मेशन के साथ सुकोई 30 ये देखिए दो मिनट में उछल हो जाएंगे अभी देखिए ये देखिए देखिएगा इस त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ ये देखिए तो गायब हो गया आसमान में ही गायब हो गया ये देखिए हमने शिखर आज आसमान से हमारा परेड खत्म होते हुए विदाई लेते हुए आसमान में ये देखिए गुब्बारा छोड़ दिए गए हैं और ये देखिए पवन सुंदर लग रहे हैं विजय आज के ब्लॉग को ये खत्म करते हैं आई होप आपको मजा आया होगा बहुत आपने इंजॉय किया होगा तो
वंदे मातरम भारत माता की जय।